और चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में हुए भविष्य निधि घोटाले से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करने जा रहा है। भविष्य निधि घोटाले का सबूत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास मौजूद है। डीएचएफएल ने 23 मार्च 2018 को यूपी पीसीएल ट्रस्ट के सचिव को पत्र लिखा था। एक साल के डिपॉजिट पूरा होने पर डीएचएफएल ने यह पत्र लिखा था। सवाल उठ रहा है कि कहीं डीएचएफएल में भविष्य निधि का पैसा लगाने की असली वजह भारी भरकम ब्याज की राशि भी कमाना तो नहीं था। ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम कर रहे हैं। बता दें आपको, खबर ये मिली है कि डीएचएफएल की ओर से 23 मार्च 2018 को यूपीपीसीएल ट्रस्ट के सचिव को पत्र लिखा गया था और उस पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी जी यूपी यूके के पास है। देख पा रहे हैं आप तस्वीर भी। एक साल के डिपॉजिट पूरा होने पर डीएचएफएल की ओर से ये पत्र लिखा गया था और ये वही पत्र है जो लिखा गया था 23 मार्च 2018 को। एक साल पूरा होने पर यह पत्र लिखा गया था जिसकी कॉपी हमारे पास है। अब इसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि कहीं डीएचएफएल में भविष्य निधि का पैसा लगाने की असली वजह भारी भरकम ब्याज की राशि भी कमाना तो नहीं था। और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता विशाल। वो एक्सक्लूसिव कॉपी भी है हमारे पास, बड़ा खुलासा एक और इस पूरे मामले से जुड़ा। देखिए बिल्कुल, लगातार जिस तरह से डीएचएफएल में भविष्य निधि घोटाला हुआ है और जिस तरह से यूपीपीसीएल के अधिकारियों की भूमिका लगातार इस पूरे मामले में संदी बताई जा रही है, उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। डीएचएफएल ने बकायदा 23 मार्च 2018 को एक साल पूरा होने पर, जो डिपॉजिट किया गया था उसके एक साल पूरा होने पर, एक लेटर लिखा था यूपीपीसीएल के जो ट्रस्ट है जिसके तहत ये पैसा लगाया गया था डीएचएफएल में, और उनको शुक्रिया अदा किया था और उनको ये भी बताया था कि ब्याज के कितने परसेंटेज जो है दे रही है कंपनी। साथ ही साथ इस बात को भी बताया था कि कैसे इन्वेस्ट, और अगर आप करेंगे इस इन्वेस्ट को बढ़ाएंगे तो कितना परसेंटेज ब्याज रहेगा। इस तरह की जो तमाम कंडीशंस थी वो बताई थी इस लेटर के जरिए। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अधिकारियों ने 2018 को जब ये लेटर उनको मिला था तब क्यों नहीं इस पूरे मामले को लेकर सामने बात रखी। साथ ही साथ क्या तब अधिकारियों को ये नहीं पता था कि डीएचएफएल में पैसा लगाना पूरी तरह से गलत है। माना जा सकता है कि एक बड़ी चीज़ ये है कि एपी मिश्रा ने, हो सकता है कि इस पूरे मामले में नींव तैयार की हो, इस पूरे घोटाले की एक कमीशन सेट किया गया हो, इस कमीशन के तहत ये नींव तैयार की गई हो, लेकिन इस घोटाले को आगे कंटिन्यू करना ये तमाम जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त यूपीपीसीएल के अधिकारी जो थे उनकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में क्यों कंटिन्यू किया गया जबकि ये पता था कि डीएचएफएल में पैसा नहीं लगाया जा सकता है। इससे पहले 2016 में भी जो नियम होते हैं उनको दरकिनार करके पहले पीएनबी हाउसिंग में पैसा लगा दिया गया, उसके बाद डीएचएफएल में इसका पैसा लगा दिया गया, उसको कंटिन्यू करने की बात आ गई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि शायद एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। और लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये बता रहा है कि इसमें अभी कई ऐसे अधिकारी हैं जो फंस सकते हैं। ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में इस बात को कहा है कि यूपीपीसीएल के अधिकारियों की भूमिका जो है संदिग्ध है और यूपीपीसीएल के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं इस लेटर में। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि क्या अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता है कि इस पूरे मामले को अगर उनको जानकारी थी तो क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं उजागर किया गया, और हर तीन महीनों में बैठक जो ट्रस्ट की होती है उसको क्यों टाला गया। मतलब साफ था कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। अब इस घोटाले में और कौन कौन लोग हैं ये पता लगाएगी ईओडब्ल्यू, उसके बाद सीबीआई को जब ये जांच पूरी तरह से हैंडओवर हो जाएगी, चूंकि अभी सीबीआई ने अपने हाथ में ये जांच नहीं ली है, तो ऐसे में उसके बाद जब सीबीआई अपने हाथ में जांच लेगी तब कुछ और भी अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो एक बड़ा खुलासा वो ये है कि 2017 में भले ही घोटाला हुआ, एपी मिश्रा उस पूरे मामले में पूरी तरह से संलिप्त थे, इस बात का भी खुलासा हो गया है कि लेटर में उन्होंने छेड़छाड़ की थी, हेरा फेरी की थी। 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक हुई थी, 24 तारीख को दिखाया गया था, लेकिन
उनके साथ साथ ट्रस्ट में और भी लोग थे, मतलब अगर देखा जाए तो 12 लोग की ट्रस्ट की टीम थी। तो क्या सिर्फ एक आदमी के कहने पर ये पूरा घोटाला हुआ है या सब लोग की पूरी बराबर की भूमिका थी, ये एक बड़ा सवाल है और जिम्मेदारी बनती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर प्रमुख सचिव या एमडी जो है इस पूरे मामले में ट्रस्टी में मेंबर होते हैं, सचिव होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करें कि जो तमाम जो कर्मचारी हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनका भविष्य जो है उन पैसों पर टिका हुआ है, उन पैसों को गलत हाथों में ना जाने दे। लेकिन मात्र क्या सिर्फ एक मोटे ब्याज के चलते इस तरह की रकम को निवेश किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जब पता था कि ये नियम नहीं है, बकायदा एक आईएएस अधिकारी जो उस वक्त पावर कॉर्पोरेशन में बड़े पद पर थे, उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि इस तरह के बैंकों में पैसा नहीं लगा सकते हैं। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पीएनबी हाउसिंग या जो डीएचएफएल इस टाइप की जो कंपनी है इनमें पैसा नहीं लगा सकते हैं, उसमें उन्होंने बैंकों का नाम भी लिखा था। तो ये एक बड़ी चीज है कि क्या अधिकारी ये जानते थे कि अगर इसमें पैसा लगाएंगे डीएचएफएल में तो एक अच्छा खासा ब्याज मिलेगा और उसका फायदा उनको मिलेगा। तो क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत एक टीम बनाकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है, या एपी मिश्रा चूंकि इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई उनकी जा रही है तो क्या उनका रोल था सिर्फ? तो ये फिलहाल ईओडब्ल्यू जांच करेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास डीएचएफएल की जो लेटर की कॉपी है उसका भी संज्ञान लिया गया है और खुद ऊर्जा मंत्री ने लेटर लिखा है सीएम को और इसमें कहा है कि यूपीपीसीएल के जो अधिकारी है उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि क्यों नहीं जानकारी दी गई। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2018 में अगर आता है डीएचएफएल के पास से तो क्यों नहीं इसकी जानकारी ऊर्जा मंत्री को दी गई? क्योंकि तमाम लेटर्स आते हैं, लेकिन जो भविष्य निधि का जो लेटर है वो अगर आया था और तो क्यों नहीं ऊर्जा मंत्री के सामने रखा गया? और कार्रवाई कब होती है? कार्रवाई तब होती है जब एक गुमनाम लेटर अगस्त 2019 में आता है, बिल्कुल उसके बाद ये कार्रवाई होती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था और कहीं इसके पीछे मोटिव ये तो नहीं था कि एक भारी भरकम ब्याज की जो धनराशि है वो उसको जो है कमाना था। बिल्कुल विशाल, बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर अब हुआ है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी आपका देने के लिए।